हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना। आई एम रियली रियली सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेकर आ पाई हूं। आई नो इट्स ऑलमोस्ट बीन अ वीक नाउ, बट मेरा बेबी बहुत बीमार था। शार्विल को बहुत तेज़ फीवर हो गया था, इट वाज अ वायरल फीवर, जिसकी वजह से इतना टाइम उसको लग गया रिकवर होने में। सो आई थॉट इट इज़ बेटर कि मैं एज अ पेरेंट उसको सारा टाइम डिवोट करूँ एंड जल्दी से जल्दी उसको रिकवर करा सकूँ। सो मेरा आज का टॉपिक भी इसी के बारे में है फ्रेंड्स। एंड आज के टॉपिक में मैं आपसे बात करूँगी कि वायरल फीवर होता क्या है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड व्हेन इज़ इट दैट यू हैव टू रश फॉर अ डॉक्टर और रश इन एन एमरजेंसी। आपको कब डॉक्टर के पास जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन है, उसको दबाना मत भूलेगा ताकि मेरे चैनल के सारे अपडेट्स आपको आ जाए। एंड वीडियो एंड में पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा बाकी मॉमीज एंड डैडीज़ के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। बिकॉज वेदर चेंज है तो काफ़ी बच्चे इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी बच्चों को वायरल फीवर हो रहा है, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। सो आइए गाइस, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। वायरल फीवर अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये बॉडी का नेचुरल वे है। अगर आपकी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया तो इट्स अ नेचुरल वे ऑफ बॉडी टू रिएक्ट, जिससे कि पता चलता है कि आपको फीवर हो रखा है। इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो फाइट बैक कर रही है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। एंड वो इन्फेक्शन किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, कभी स्टमक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कभी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कभी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी कारण से अगर आपकी बॉडी फाइट बैक कर रही है तो फीवर सबसे पहला सिम्टम होता है उसका। स्पेशली अगर हम वायरल फीवर की बात करें तो ये बहुत कंटेजियस होता है, जैसे कि बाकी वायरल फीवर्स होते हैं, फ्लू जैसे होता है, वैसे ये भी बहुत कंटेजियस होता है। एंड एयर बॉर्न होता है, यानी कि एयर के थ्रू ये ट्रैवल कर सकता है। अगर आपके सामने कोई कफ एंड स्नीज करता है और उसको वायरल इन्फेक्शन है, तो इट कैन ट्रैवल टू यू ईजिली। एंड इसको प्रिकॉशन लेने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आप इन्फेक्टेड इंसान से दूर रहिए। जैसे हम कोविड टाइम से दूर रहते हैं, मास्क अगर लगाते हैं तो आप इससे बचे रहेंगे, एंड हैंड हाइजीन का फॉलो करें। सो दैट इज़ अ नॉर्मल वे टू डू इट, बिकॉज इट्स वेरी कंटेजियस। एंड इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे इम्पैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू एडल्ट्स काफ़ी कम होती है, तो इसलिए बच्चों में वायरल फीवर बहुत कॉमन है। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे आप बता सकते हैं कि आपके बेबी को वायरल फीवर हो चुका है। सबसे पहला सिम्टम है हाई फीवर, यानी कि आपके बेबी का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 100.4 फ़ारेनहाइट से लेकर के 103 फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा। अगर 100.4 फ़ारेनहाइट से कम उसका बॉडी टेम्परेचर है तो ये जनरली नॉर्मल होता है, डॉक्टर्स उसको फीवर कंसिडर नहीं करते हैं। 100 से नीचे कुछ भी हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, सो नथिंग टू वरी अबाउट। बट हाँ, आपको इसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ ना जाए। सेकेंड सिम्टम है अगर बेबी का फीवर रीअकरिंग है नेचर में, यानी कि बार बार हो रहा है, आप मेडिसिन दे रहे हैं उतर जाता है बट उसके बाद फिर से हो जाता है उसको फीवर, तो दैट मीन्स इट्स रीअकरिंग इन नेचर, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि उसको वायरल इन्फेक्शन है। क्योंकि इन्फेक्शन मेडिसिन देने से ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ फीवर थोड़ी देर के लिए कम हुआ है। थर्ड इज शिवरिंग या फिर चिली फील करना, यानी कि बच्चों को ठंड लगना। अगर बहुत शिवर कर रहे हैं, वो कपकपी हो रही है उनके बदन में, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि उनको वायरल फीवर के इन्फेक्शन हो चुका है। देन अगर आपके बेबी का गला ख़राब है, सोर थ्रोट है, या फिर उनको सर्दी खांसी जुकाम जैसी कोई चीज़ हो गई है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ क्लियर साइन कि उनको वायरल इन्फेक्शन हो गया। देन आप ये भी नोटिस करेंगे आपके बेबी को डायरिया हो गया है, यानी कि उसको काफ़ी लूज मोशंस हैं, बहुत वाटर लॉस हो रहा है उसकी बॉडी से। बल्कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर मैं अपने बेटे की बात करूँ शार्विल की, तो उसको डायरिया की जगह कॉन्स्टिपेशन हो गया था, एंड उसकी वजह से हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया कि उसको वायरल फीवर हुआ है एंड वायरल इन्फेक्शन है, एंड डॉक्टर ने उसको उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका बेबी बहुत ही लथार्जिक या फिर फटीग फील करेगा, या फिर बहुत लो इन एनर्जी फील करेगा, बहुत लेजी फील करेगा। आप देखेंगे कि वो कोशिश कर रहा है कि ही विल लाई डाउन और शी विल लाई डाउन, वो सो जाए, आराम करे, रेस्ट करे, वो बहुत एक्टिव नहीं रहेंगे इस टाइम पे। नेक्स्ट इज उनके बॉडी पे कहीं ना कहीं स्किन रैश होना, ये भी एक क्लियर कट सिम्टम होता है कि उनकी बॉडी में किसी चीज़ को लेके इन्फेक्शन है।
नेक्स्ट, बिकॉज अगर हाई फीवर होता है तो हेड एक होना या बॉडी एक होना एक बहुत कॉमन साइन एंड सिम्टम है. एज अ एडल्ट हमें भी होता है. जब हमें हाई फीवर होता है तो हमें भी सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है, मसल्स में पेन होता है. तो इट इज़ ऑब्वियस कि बच्चों को भी वही तकलीफ होगी. देन नाइन्थ पॉइंट इज़ बच्चों का बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाना. अगर आप देख रहे हैं कि फीवर अभी भी 99 ही है, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ा है, बट अभी नोटिस कर रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत क्रैंकी हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपको चिपक रहा है, गोदी मांग रहा है, रो रहा है बार बार, तो आप डेफिनेटली समझ जाइए कि फीवर ऑन द वे है, यानी कि उसको हाई फीवर बहुत जल्दी चढ़ने वाला है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके बेबी की एपेटाइट यानी कि भूख लगने की क्षमता ऑल ऑफ अ सडन कम हो जाएगी. अचानक से आप देखेंगे कि वो खाना नहीं खा रहा है, वो बहुत रो रहा है खाने को देख करके, या खाना खाते ही वॉमिट कर रहा है, उसको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर वो भाग जाता है खाने को देख करके. तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपके बेबी की जो एपेटाइट है, जो भूख लगने की क्षमता है, वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये भी एक सिम्टम शो करता है कि उसको वायरल फीवर हो चुका है. अगर आपके बेबी को इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं या फिर मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स हैं, देन प्लीज़ डिस्कस विद योर डॉक्टर. आप प्लीज़ उसको इमिडिएटली ट्रीट ना करें, अपने अकॉर्डिंगली खुद के डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को कंसल्ट करें. डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपके बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन सही है, बट ये याद ज़रूर रखें कि बेबी के वेट के अकॉर्डिंगली और एज के अकॉर्डिंगली मेडिसिन की क्वान्टिटी चेंज होती है. तो आप प्लीज़ जैसे ही आपके बेबी को फीवर चढ़े, कंसल्ट योर डॉक्टर, चेक विद हिम और हर कि कौन सी मेडिसिन और कितनी क्वांटिटी में देनी है एंड कितनी ड्यूरेशन में देनी है, ताकि आपके बेबी का ट्रीटमेंट सही से हो सके और उसका फीवर आराम से उतर सके. अब हम बात करेंगे कि कब आपको अर्जेंसी में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है. सबसे पहला पॉइंट तो ये है फ्रेंड्स, जो आपको ध्यान रखना है कि आपका बेबी अगर कॉन्टिनेशन में सोए जा रहा है, वो जाग ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, तो एक बहुत वरी का साइन है. तो प्लीज़ रीच आउट टू योर डॉक्टर इन दैट केस, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए. आई अंडरस्टैंड बेबीज थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, कई बार बहुत स्लीपी फील करते हैं, बट कॉन्टिनेशन में काफ़ी लंबे समय तक सोते ही रहना, उठ ही नहीं पाना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा पाना, दैट इज़ अ वरी साइन. सेकेंड इज़ आपका बेबी बहुत अनरिस्पॉन्सिव हो गया है, यानी कि आप उसको बुला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, वो कहीं खोया हुआ है. ये भी एक बहुत वरी का साइन है गाइज. ऐसा नहीं हो सकता कि फीवर में आपका बेबी बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, यानी कि कोई चीज़ है जो बहुत तकलीफ दे रही है उसको, और आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए विदाउट एनी डिलेज. नेक्स्ट, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है, वो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि उसको सांस लेने में तकलीफ होना. या तो अगर बहुत तेज़ सांस ले रहा है आपका बेबी, या फिर बहुत ही शैलो ब्रीदिंग, यानी कि बहुत धीरे धीरे ब्रीद कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये यूजुअल से बहुत हटकर है, देन डेफिनेटली आपको बिना किसी डिले के आपको डॉक्टर के पास जाना है इमिडिएटली. चौथा जो साइन ऑफ वरी है वो है सीजर्स, यानी कि फिट्स पड़ना. आपके बेबी को अगर दौरे पड़ रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू हाई फीवर, तो प्लीज़ फ्रेंड्स रुकेगा मत, इमिडिएटली उसको हॉस्पिटल लेके जाइएगा. देन अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके बेबी का फेस और हाथ और पैर काफ़ी स्वोलन हो चुके हैं, यानी कि सूज चुके हैं, ये भी एक चिंता का कारण है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर आपका बेबी कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ना पानी डाइजेस्ट कर पा रहा है, ना कोकोनट वाटर, खिचड़ी, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, दूध भी नहीं कर पा रहा, और वो कॉन्टिन्यूशन में वॉमिटिंग करता जा रहा है, कुछ भी आप उसके मुंह में स्पून डालो और वो वॉमिटिंग कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो लिक्विड इनटेक नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट जो चीज़ आपको नोटिस करनी है वो है रेडनेस इन आइज़, यानी कि उसके आँखों के आसपास जहाँ पे वाइट पोर्शन है वहाँ पे रेडनेस आपको थोड़ी सी दिखाई दे, तो वो भी एक बहुत चिंता का कारण है. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है एंड सिर पे चढ़ने के चांसेस हैं फीवर के, तो प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर इमिडिएटली. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपके बेबी को अगर डायरिया 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा है, तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि आपके बेबी के बॉडी में जो वाटर है वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा, तो ये उसकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, उसके लिए बहुत हार्मफुल है, इसलिए यू शुड अप्रोच अ डॉक्टर. एंड लास्ट पॉइंट इज़ अगर आपका बेबी बहुत टाइम से खांसी कर रहा है एंड उसकी कफिंग जो है ठीक ही नहीं हो रही है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो चुके हैं एंड स्टिल यू आर नोटिसिंग कि वो कफिंग कर रहा है, तो ये भी आपको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है. कई बार फीवर बहुत हाई नहीं होता, बट ये कुछ सिम्टम्स आते हैं जो आपको डॉक्टर के पास इमिडिएटली लेके जाने चाहिए, कॉज ऑफ कंसर्न है, ताकि आपके बेबी को राइट ट्रीटमेंट राइट टाइम पे मिल सके. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ पेरेंट आप ये सारी चीज़ें नोटिस करें कि इसमें से कोई प्रॉब्लम आपकी बेबी को है तो नहीं. सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. आज के वीडियो में इतना ही.
आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी. अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. एंड अगर मुझसे कुछ मिस आउट हो गया है देन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी पेरेंट्स को हेल्प मिल सके. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एक रेड बटन है नीचे जिसमें सब्सक्राइब लिखा है, प्लीज़ उसको दबाइए एंड फटाफट से मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, इस फैमिली में जुड़ जाइए. और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की कोई भी अगर नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले आ जाए. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अंटिल नेक्स्ट वीडियो, चाओ.